नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट टिपर डॉट ओ आर जी पर। बैक टू बैक दो मैचेस जैकपॉट दिए मैंने। कौन कौन से जैकपॉट दिए? एक तो पहला वाला जो आपको बताया था कल, तीसरा मैच, और उसके बाद मैच नंबर पांचवा सुपर जैकपॉट, गुजरात वर्सेस मुंबई इंडियंस। सबसे पहले आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस फेवरेट आ गई थी 8 पैसे। 8 पैसे फेवरेट आने के बाद ये जो मैच उड़ा है, हमने हमारे प्राइम मेंबर्स को, पेड मेंबर्स को ये चीज बोल दी थी कि ये मैच उड़ेगा, यहाँ से आप मुंबई खा लो और गुजरात को जिताओ। आखिरी ओवर का देखा आपने कैसा पलटा मैच? इसी को बोलते हैं सुपर जैकपॉट। इसलिए बोलते हैं हमारी पेड प्रेडिक्शन लोगे तो सुपर जैकपॉट मैच दूंगा आपको। दो मैचेस मैंने, एक दिया है जैकपॉट और एक दिया है सुपर जैकपॉट। तीनों मैचेस कल के भी बता देता हूँ मिलाकर, तीन मैचेस बैक टू बैक पास दिए जिसमें से दो जैकपॉट दिए। कल का हमने ओपन डाला था, जाकर क्रिकेट टीपर डॉट ओ आर जी पर देख लो। मैच नंबर 4 राजस्थान पास हुआ है, बॉल के टीम दी थी आपको। मैच नंबर 5 का सुपर जैकपॉट पास हुआ है, तो हमारे कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राइम मेंबर्स को, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर से। चलिए बात करते हैं कौन जीतेगा आज, आरसीबी या पंजाब किंग्स। क्या आज का मैच भी जैकपॉट होगा? टॉस, टीम स्कोर, ड्रीम इलेवन, मैच प्रिडिक्शन, सारी चीजें बताऊंगा। चलिए सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि कौन जीतेगा टीम को, उसके लिए रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड की बात करते हैं, उससे पहले प्लेइंग इलेवन क्या क्या हो सकती है। प्लेइंग 12 मैंने आपको बता दी है। क्यों बता दी है? क्योंकि एक इम्पैक्ट प्लेयर हो सकता है, मतलब कि 12 प्लेयर में से एक प्लेयर ऐसा होगा जो आप किसी को भी इसमें से रिप्लेस करके उसको ले सकते हो। ये रूल 2023 से आया है। पंजाब किंग्स की टीम है, इसमें से टॉप प्लेयर्स मेरे में बता देता हूँ। पहले बात करते हैं आरसीबी की। पहला रजत पाटीदार, सॉरी डुप्लेसिस रजत पाटीदार। तीसरा ग्लेन मैक्सवेल। चौथा कर्ण शर्मा। और पांचवा है मोहम्मद सिराज। ये 5 पिकअप हमारी साइड से रहेंगे। पंजाब किंग्स का बता देता हूं, पहला शिखर धवन, जॉनी बेस्ट्रो। तीसरा सैम करन, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। चौथा लियाम लिविंगस्टोन। और पांचवा है कगिसो रबाड़ा। ये पिकर्स हमने कर लिए हैं। कौन यहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बात करेंगे सबसे पहले रिकॉर्ड की। बिना रिकॉर्ड के हम बात नहीं करते हैं। दोनों टीमों ने आपस में 31 मैचेस खेले हैं। बेंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स ने, जो कि पंजाब सुपर किंग्स थी, दोनों टीम ने 31 मैचेस खेले हैं, जिसमें से भाई साहब 17 मैचेस जीते हैं पंजाब किंग्स ने। मतलब यहां पर पलड़ा निकल के भारी हो रहा है पंजाब किंग्स का, जबकि हाईएस्ट स्कोर भी बनाया है पंजाब किंग्स ने इसके अगेंस्ट, बेंगलोर के अगेंस्ट, और लोवेस्ट स्कोर भी कम इनका। ये तो 84 रन पे, 84 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ये 88 रन पे ऑल आउट हुई। तो यहां से पलड़ा निकल के आता है भारी पंजाब किंग्स का। रिकॉर्ड के बेसिस की बात करें तो हवा में बातें हमको नहीं करना है। देखिए बात करते हैं कि पिच कैसी रहेगी। तो आपको बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पर बैटिंग होती है तो यार एवरेज स्कोर 180 का तो होता है, 191 ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, पर एवरेज स्कोर मान के चलते 180 का इस ग्राउंड पे, मतलब फास्ट बॉलर को सपोर्ट करता है। अब तो 2 बाउंसेस डालने का भी प्रावधान हो गया है, मतलब एक बॉलर एक ओवर में 2 बाउंसर डाल सकता है, मतलब कंधे के ऊपर और सिर के बीच में बाउंसर कहलाई जाती है। तो जब से 2018 से टीम ने 9.42 के हिसाब से इस चिन्ना स्वामी स्टेडियम पे रन बनाए हैं। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ का जो एवरेज है 180 के आसपास का है, मतलब एक इसको निकल के आ गया 180। चलिए अब रिकॉर्ड की बात करते हैं ग्राउंड की। ये यहाँ पर ये हटा देते हैं हम, क्योंकि ये पिछले मैच का भी है, इसको देखने से आपको कोई मतलब नहीं है, अभी का देखेंगे हम। चलिए मैचेस इस ग्राउंड पर खेले गए हैं कौन से, बेंगलोर के, बेंगलुरु हो गया इसका नाम, बेंगलुरु नाम हो गया इसका, बेंगलोर से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से बेंगलुरु, क्योंकि उन्होंने सोचा नाम बदलने से टीम जीत जाएगी। देखो इस ग्राउंड पे मैचेस हुए हैं 86, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाले ने जीता है 37
और जिसने बैटिंग सेकंड करी 47। मतलब यहाँ पर टॉस का योगदान है। अगर आप टॉस जीतते हो तो आपको पहले क्या लेनी चाहिए, बॉलिंग लेना चाहिए, मतलब सेकंड बैटिंग में आपको चेस करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कितने भी रन पड़वा दो, आपको चेस करना आना चाहिए। देखो जो मैच टॉस जीतता है वो 47 मैचेस जीतता है, और जो टॉस हार जाता है वो 37। मतलब टॉस का बहुत बड़ा योगदान है यहाँ पर। यहाँ पर हाईएस्ट टीम का टोटल गया 263 भाई साहब, 263, और लोवेस्ट टीम का टोटल है मात्र 82, और एवरेज फर्स्ट इनिंग 166। मैंने आपको बताया था ना, एवरेज जो है इस ग्राउंड पे हम मान के चल रहे हैं 180 या 170, ये एवरेज है। मतलब इतना तो बनना ही चाहिए अगर आपको पहले बैटिंग करनी है तो। हाईएस्ट टोटल सक्सेसफुली चेस भी हुआ है 213 का, मतलब चेस भी होते हैं। चलिए बात करते हैं, ये बैट्समैन है और ये बॉलर्स है, टॉप फोर बैट्समैन टॉप फोर बॉलर्स बैंगलोर के, ये पंजाब के। तो बैंगलोर के डुप्लेसिस कोहली नो डाउट, उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन और प्रभसिमरन सिंह, ये इनका एवरेज अच्छा है इसलिए इस खिलाड़ी को लिया है। स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, 10 मैचेस में 297 रन मारे हैं। यहाँ पर बॉलर्स पिकअप किए आरसीबी ने मोहम्मद सिराज और कर्ण शर्मा, इनका एवरेज अच्छा रहा है, 10 मैच में 11 विकेट लिए। इकोनॉमी बहुत कम है इनका। और बात करें पंजाब किंग्स की, या तो यहाँ से अर्शदीप सिंह और हरप्रीत कौर, तो ये बॉलर है। यहाँ से रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों का अच्छा रिकॉर्ड है। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड 5 मैचेस, पिछले 5 मैचेस में कौन सी टीम कितनी बार जीती है। तो भाई साहब यहाँ पर 3 बार जीती है पंजाब किंग्स और 2 बार जीती है आरसीबी, और पिछला मैच जीती थी आरसीबी, पिछला आरसीबी जीती थी 20 अप्रैल 2023 को आईपीएल में। उसके पहले 2 बार कंटिन्यू जीती थी पंजाब पंजाब, ठीक है। तो देख सकते हैं पंजाब काफी रनों से भी जीती है, 5 विकेट से भी जीती है। तो देखा जाए तो आरसीबी के ऊपर पलड़ा भारी रहता है पंजाब किंग्स का, ये रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। ये ड्रीम इलेवन की टीम है, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस स्क्रीन का। क्रिकेट टीपर डॉट ओ आर जी पर भी मैच की प्रेडिक्शन आपको मिल जाएगी। चलिए इस मैच की प्रेडिक्शन यहीं पे दूंगा मैं, वहां पर भी मिल जाएगी क्रिकेट टिपर डॉट ओ आर जी पर, यहां पर भी दूंगा। पिच जो है देखो मैंने आपको बता दिया है, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर एट दिस वेन्यू इन द लास्ट 20 मैचेस, लास्ट 20 मैचेस में वो यहां पर 159 का एवरेज है, मैंने आपको जो कि बताया था। मतलब 170 का स्कोर तो यहां पर चाहिए अगर आप पहले बैटिंग करते हो तो। चलिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको मिल जाएगी हमारी प्रेडिक्शन क्रिकेट टिपर डॉट ओ आर जी पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री में आईपीएल की प्रेडिक्शन मिलती है। इससे पहले बात करते हैं मेन चीज है जो जानना आपके लिए जरूरी, टॉस कौन जीतेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो देखिए टॉस जीतेगा पंजाब किंग्स, ठीक है, और पहले बैटिंग करने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पर बेंगलोर के। स्कोर अगर आरसीबी पहले बैटिंग करेगी 183-184, और पंजाब किंग्स अगर पहले बैटिंग करती है तो इसका स्कोर बन सकता है 186-187। ये पहली बैटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरी इनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ। चलिए सबसे मेन चीज़ आती है निकल के टीम कौन जीतेगी। दोस्तों फेवरेट अभी कौन सी है, आरसीबी। इस मैच को जीतने के चांसेस जो बन रहे हैं वो है पंजाब किंग्स के, ठीक है। तो टीम प्रेडिक्शन में आता है पंजाब किंग्स अभी फेवरेट है आरसीबी। दोनों साइड बुक सेट कर लेना, मिल जाएगी आपको दोनों टीमें फोर श्योर, आपको 60 मिल जाएगी। और आरसीबी की ऐसी टीम है जो 20 पैसे आकर भी हार जाती है। तो दोस्तों ये थी मैच की प्रेडिक्शन, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट प्रेडिक्शंस विद 95% एक्यूरेसी को, क्योंकि यह है नंबर 1 क्रिकेट प्रेडिक्शन चैनल। बाय बाय।